हमारा टॉपिक है प्योर एंड इम्प्योर। तो रोमियो जी अपने व्यूज दीजिए। सुनूंगा ओके, जय हिंद जी। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे आप। मैडम। देखिए, प्योर वर्सेस इम्प्योर या प्योर एंड इम्प्योर, यानी कि शुद्ध और अशुद्ध। बात हुई थी सामान के बारे में, जो हमारे डेली यूज में आने वाला सामान है ना, उसके हाँ बारे में जी, बात हुई थी, कितना प्योर है, उसमें कितनी इम्प्योरिटीज रहती हैं जो हमें मिलता है। तो आजकल जो हम सामान डेली यूज में लाते हैं मैडम, उसमें प्योरिटी का परसेंटेज कितना है ना, कितना वो प्योर है, यही मेरे ख्याल से टॉपिक है। ये हाँ जी, मुझे नहीं लगता कि आजकल जो सामान हम डेली यूज में लाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, हर चीज़ पूरी तरह से प्योर है। कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज तो उसमें रहती ही हैं, चाहे आप सुबह ब्रश करने से लेकर टूथपेस्ट यूज करें, सुबह का दूध हो, नाश्ते में हम कोई खाना, नाश्ता वगैरह, दिन का खाना, हर चीज़ में इम्प्योरिटीज रहती हैं, क्योंकि वो चीज़ रह नहीं गई जो आज से करीब 20-25 साल पहले हुआ करती थी, है ना हाँ जी, जी। थोड़ा थोड़ा सा आगे बोले तो हम 20 विषय में कुछ और सोचें तब तक। हाँ जी, आरती जी आप अपने व्यूज बताइए। प्योर एंड वर्सेस इम्प्योर। वैसे तो प्योर और इम्प्योर का जो रिलेशन होता है ना, एक तरह से सामान्य रिलेशन ही होता है। जहाँ प्योरिटी होती है वहाँ इम्प्योर वहाँ जरूर होता है, और जहाँ इम्प्योरिटी होती है वहाँ उसमें प्योर जरूर होता है। तो दोनों एक कोरिलेट करते हैं। चाहे कोई भी चीजें हम उठाएंगे तो उसमें प्योरिटी और इम्प्योरिटी दोनों चीजें होती है। तो दोनों का रिलेशन एक जैसा ही होता है। बट जैसे कि हमारा मतलब कि दो इसमें दो चीजें होती हैं। जैसे कि अब हम किस बारे में बात करना चाहते हैं, प्योर एंड इम्प्योर, कि हमारे डेली लाइफ में हम जो यूज कर रहे हैं उसके बारे में हम भी बात करना चाहते हैं, या कि हम जो चीजें डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, जैसे कि कुछ खाने की चीजें होती हैं, कुछ पहनने की चीजें होती हैं, दोनों में इम्प्योरिटी और प्योरिटी होती है। लॉजिकली जो होता है प्योरिटी और इम्प्योरिटी, उन चीजों में यूज किया जाता है जो हम खाने के तौर पर यूज करते हैं। राइट, हाँ जी, हाँ जी, एग्जैक्टली बिल्कुल सही। जी। तो फिर क्या होता है एक्चुअल में, जैसे कि हम कोई भी चीज ले लेते हैं, जैसे हम खाने की चीजों के बारे में बात करें, तो हमारे जीवन में जो भी हम चीजें ले रहे हैं, प्योरिटी और इम्प्योरिटी का ये रिलेशन होता है कि हम जो चीजें, जैसे प्योर चीजें खा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि 100% प्योरिटी चीजें हम खाने से हमारा बॉडी जो होता है वो ज्यादा शक्तिशाली बना रहता है, ऐसा कुछ नहीं होता। हमें कुछ हमारे बॉडी के लिए इम्प्योरिटी भी बहुत जरूरी होती है, जो हमारे बॉडी को स्ट्रांग ही पन ही देती है। ऐसा नहीं है कि पूरा हम प्योर चीज। क्या होता है, जैसे कि हम वाटर लेते हैं, पानी, पूरा प्यूरिफाइड वाटर अगर पूर्ण रूप से प्योर हो तो हमारे बॉडी के लिए वो हानिकारक होता है। मतलब कि वो फिर हमारे बॉडी में वो चीजें नहीं दे पाता है जो चीजों की हमें जरूरत है। जैसे कि हमारे वाटर के अंदर कुछ ऐसे तत्व तो पाए जाते हैं जिसमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए अति आवश्यक होते हैं। बट आज की जनरेशन में, आज की लाइफ में, स्टाइल में लोगों क्या कर रहे हैं, उस चीज को नेग्लेक्ट किया है। तो पानी का थोड़ा सा स्वाद बढ़ाने के लिए क्या क्या चीजें वो मतलब इस तरह से प्योर कर रहे हैं उसको, कि हम उन जिन चीजों की हमें जरूरत है ना, एक्चुअल में हम वो चीज ले ही नहीं पाते हैं। तो उसका हमें क्या होता है, हमारे डेली लाइफ के ऊपर ना धीरे धीरे उसका इम्पेक्ट पड़ता है, कि बॉडी जल्दी ही वो होता नहीं कि बुढ़ापेपन जैसा दिखना, ये सब एक्चुअल में इन्हीं का होता है। फिर हमारी बॉडी के अंदर ना वो कमजोरी आ जाती है, जैसे कि थोड़ा भी हम हार्ड वर्क कर जाते हैं तो हमारी बॉडी क्या होती है, बीमार हो जाती है। तो स्ट्रगल टाइप लाइफ जो होती है ना, एक स्ट्रगल हो जाती है। इसलिए मतलब कि जो चीजें हमें जरूरी है वो तो लेनी है। तो ऐसा नहीं है कि इतना हमें प्योर कर देना है कि हमारी बॉडी के लिए थोड़ा बहुत भी जो इम्प्योरिटी की जरूरत है ना, वो हम बिल्कुल ले ही नहीं पा रहे हैं। क्योंकि एक्चुअल में भगवान ने इसीलिए दो चीजें बनाया, प्योरिटी एंड प्योरिटी। खैर भगवान ने तो बना दिया, लेकिन नाम तो हमने ही उसको कायाकल्प दे दिया, कि जो हमने पानी हमने निकाला एकदम कर दिया उसमें
एकदम शुद्ध कर दिया, उसमें से पूरे बैक्टीरिया फैक्टीरिया सब निकाल दिया, 80 डिग्री टेम्परेचर पे गर्म कर दिया और वो पानी हम पिए जा रहे हैं, तो उसका पीने का कोई मतलब नहीं होता है, हम पी रहे हैं बस, होता नहीं प्यास बुझाने के लिए। तो प्योरिटी और इनप्योरिटी का तो यही रिलेशन है। और कुछ रोमियो भाई बताना चाहे बताएं। जैसे जैसे आजकल हम लोग ना जो देखिए प्योरिटी और इम्प्योरिटी में प्योर चीजें मिलना मुश्किल हो गया है, और उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि प्योर चीजों का जो प्रोडक्शन है, प्योरिटी का प्रोडक्शन है ना, उसी में खराबी है। तो हम प्योर चीज के बारे में चाह रखना भी एक तरह से बहुत टफ है। आप खेतों को ही देख लीजिए, अनाज को ही देख लीजिए, अनाज में ही जो अनाज डायरेक्ट खेतों से आ रहा है उसमें भी वो बात नहीं है जो पहले हुआ करती थी, क्योंकि मिट्टी ही उतनी उपजाऊ नहीं रह गई है। तमाम तमाम तरह की खादें हैं, कचरा है, पोल्यूशन है। तो बेसिकली जहाँ से उत्पादन होता है वहीं मेनली उस जगह को देखें तो वहीं से प्रॉब्लम इशू क्रिएट हो जाती है। जैसे दूध का एक एग्जांपल कल मैडम बता रही थी, गाय को रंग का चारा ही नहीं मिल रहा तो दूध में पौष्टिकता कहाँ से आएगी, है ना? गाय खा क्या रही है तो दूध कैसे उसका अच्छा होगा? सीधी सी बात है, मिट्टी अच्छी नहीं है तो उसकी उपज कैसे अच्छी हो जाएगी? ऊपर से तमाम तरह के केमिकल्स खेत में हम डालते हैं, छोटे बच्चे के लिए दूध चाहिए तो वही बात है, गाय को हम क्या खिला रहे हैं, कौन सा चारा खिला रहे हैं, उस चारे में है क्या आमिर? नेचुरल चीजें होती थी, नेचुरल चीजें खाई जाती थी, है ना? गाय का दूध छोड़िए, अपनी माँ का ही दूध देख लीजिए। कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहले माँ के दूध की जरूरत होती है। आजकल की माँ का खान पान देखिए आप, क्या लगता है कि किसी भी माँ का दूध इतना प्योर होता होगा जैसा हमारी हमारे पिताजी ने अपनी दादी का दूध पिया होगा? क्या वही दूध आगे आने वाली जनरेशन अपनी माँ का पी पाएगी? संभव ही नहीं है। खान पान देखिए ना, तो जो भेस है उसमें जाके देखिए तो प्योरिटी की चाह रखना भी एक तरह से बेईमानी हो गया है आज के युग में। हम लोग जो है अशुद्धियों के साथ जीना सीख गए हैं और हमारा शरीर भी उसी के साथ सामंजस्य बिठाते हुए उसी रूप में ढल गया है। तो प्योरिटी वर्सेज इम्प्योरिटी अभी जो टाइटल है अभी दूसरी तरफ चले गया है, लिव विद इम्प्योरिटीज। और उस चीज में हम कहीं हद तक जो है, जैसे अभी COVID-19 में था ना कि कई ऐसे देश थे तो देश जिन्होंने लॉकडाउन नहीं लगाया, वहां क्या हो गया था, वो हर्ड इम्यूनिटी हो गई की वजह से ही रोकथाम हो गई थी। हालांकि पहले काफी बीमार हुए लेकिन बाद में हर्ड इम्यूनिटी फैलने से, क्योंकि उन लोगों के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता उस वजह से विकसित हो गई। अब ऐसा ही सारे मनुष्यों में, मानव जाति में हो गया है कि हम लोग इम्प्योरिटीज के साथ रहना सीख गए हैं। और एक बात तो मैं ये बताऊँ आपको कि प्योर चीज बचा पाना ही मुश्किल हो गया, क्योंकि हमारा शरीर ही नहीं रह गया उस ढंग का। क्या आजकल की नई जनरेशन को आप किसी पहाड़ की गाय का, एक बदरी गाय कही जाती है या हिमालय में पाई पाली जाती है, उसका दूध काफी महंगा होता है, बहुत कम दूध देती है, मुश्किल से दिन भर का 1 लीटर 1.5 लीटर दे देगी तो दे देगी, बहुत कम समय तक दूध देती है बच्चा होने के बाद भी, और बहुत कम दूध देती है। उसका घी भी काफी महंगा होता है। अगर उसका प्योर दूध किसी आजकल के जवान बच्चे, जवान युवा पीढ़ी को पिला दिया जाए तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि बिना पानी मिलाए उसको पिलाएंगे तो उसका पेट खराब हो जाएगा, उसका लीवर ही नहीं बचा पाएगा, क्योंकि वो शरीर ही नहीं रह गया उस हिसाब उसको उदास करने के लायक। तो प्योरिटी वर्सेज इम्प्योरिटी मैं तो यही कहूंगा, अगर इसी में मैच होता और मैच का टाइटल होता प्योरिटी वर्सेज इम्प्योरिटी, तो इम्प्योरिटी आप काफी अच्छे स्कोर से जीत रहा होता। यस मैम प्लीज। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं और जहीन जी। जी नई जनरेशन तो गोलगप्पे के बूते जिंदगी जीना चाहती है ना। जी 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 बिल्कुल। एक ये बात भी है ना, आजकल के टाइम में मतलब कि जंक फूड की तरफ ज्यादा इंटरेस्ट देखा गया है, और जो अब हमारी डाइट है वो कहीं ना कहीं नेगलेक्ट हो रही है। जैसे हमें ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर जो हमें करना है, तो ऑलमोस्ट ये होता है बच्चे जो कॉलेज के लिए निकलते हैं, स्कूल के लिए निकलते हैं, ब्रेकफास्ट तो होता ही नहीं है लंच कैंटीन में, जो भी उन्हें पसंद है जंक फूड। और स्कूल से आने के बाद भी ये होता है कि उनके हाथ में वही चीज़ें होती है जो वो खाना पीना चाहते हैं, तो खाने की मात्रा बहुत ही ज़्यादा कम है। जो टिफिन में होता है आधा खाते हैं, आधा बच करके घर में आ जाता है।
ये चीजें नॉर्मल हो गई है एक तरह से। हाँ जी, नेचुरल फूड प्रोडक्ट्स की तरफ ही देख लीजिए ना, हमारे जो आजकल की पीढ़ी है उसको फल फूल एक तरफ रख दीजिए, आपका ड्राई फ्रूट्स रख दीजिए, मौसमी फल रख दीजिए, और एक तरफ जंक फूड रख दीजिए, चाइनीज फूड रख दीजिए, बच्चा उसी की तरफ भागेगा। बच्चा को छोड़ दो, बच्चों की माएं पहले जंक जाएंगी, और बच्चा पढ़ना ही चाइनीज चाहता फूड की तरफ जाएंगे सभी। है, बच्चों के माँ बाप, बच्चों पापा मम्मी को खुश करने के लिए वही जंक फूड लेके आ रहे हैं, बच्चा क्या सीखेगा, वो कहाँ सीखेगा फल खाना, दूध दही खाना। वैसे इसलिए जय हिंद भाई ना, ये बोलिए। मैं जहाँ रहता हूँ ना उसके बगल में एक बनाता है चाइनीज पकोड़े, बहुत स्वादिष्ट आता है। लेकिन चाइनीज देखिए पकोड़े माहौल ही कैसे ऐसा हो होते गया हैं? ना कि तो ये चीजें आजकल क्या होगा ना, न्यू जनरेशन के लिए ना ये सब चीजें ना वो हो गया। मैं बता रहा हूँ, मैं भी एक तरह के उसी नई जनरेशन की पीढ़ी का मैं भी। मेरा हाँ, फल प्योर मसू प्योर मेरा प्रोडक्शन फल ना दिल भाई, एक मिनट ना, एक मिनट लूंगा आपका। प्योर प्रोडक्शन भी तो टफ हो गया है, आप प्योर प्योर चीज को पैदा करना या प्योर चीज प्रोड्यूस करना भी तो कितना टफ है, बहुत मुश्किल है, बहुत वही चीज मुश्किल है। अगर कोई प्रोडक्ट कहीं से उसका उत्पाद हो भी रहा है तो उसको हम खरीद लें ये भी बहुत मुश्किल है, हम खरीद ही नहीं सकते उसको उतनी मात्रा में, है ना, बहुत टफ है। तो जाहिर सी बात है उसमें जय मिलावट हिंद का जी, बहुत मुझे बड़ा इशू लगता है। है अगर दूध मिलावटी है तो इसके पीछे रीजन भी ये है कि एक जो प्योर मिल्क होता है उसके लिए गाय को जो खिलाना पड़ता है उस सारी चीजों में लागत इतनी आ जाती है कि प्योर दूध कोई खरीद ही नहीं सकता, क्योंकि दूध बहुत की एक मुश्किल है, नहीं कीमत खरीदने देखते हैं वाले कि। खरीद सकते हैं मैडम, आम लोग नहीं खरीद पाते हैं, हाँ जी आम नागरिक, आम लोग, आम जनता नहीं खरीद सकती, वो उसकी कॉस्टिंग ही इतनी बैठेगी, मुझे पता है ना। हाँ मेरी जी नानी थी, बड़ा धार्मिक स्वभाव की थी, अभी 1.5 साल हो गया उनको, उनके स्वर्गवास को, तो वो जो पुरानी बुजुर्ग महिला थी, पुराने जमाने की विचारों वाली थी, मरते दम तक गाय पाली उन्होंने, गाय पाली उन्होंने, तो किसी के हाथ का नहीं खाती थी, गाय का दूध भी अपने ही गाय का दूध वो यूज करती थी अपने डेली यूज में। तो हम जानते हैं उस चीज को कि हमें जब नानी के पास जाते थे तो प्योर दूध मिलने को मिलता, खाने को मिलता था, दूध दही मक्खन या घी जो भी है। हाँ, लेकिन उसकी कॉस्टिंग आप देखेंगे ना, मेरी मेरी नानी पेंशनर थी ना, नाना जी की पेंशन मिलती थी, उनकी लगभग पूरी पेंशन लग जाती थी एक गाय पालने में, क्योंकि वो गाय को कुछ और कंटामिनेटेड मटेरियल तो देती नहीं थी, एकदम प्योर जो भी देना है ना। तो हम समझ रहे हैं कि जब एक गाय को पालने में और उसका प्योर प्योर उसका दूध ले ले, अगर आप उसकी इच्छा रखते हैं, इतना खर्चा आ रहा है, तो ये लोग कैसे चलाते होंगे, इतनी डेयरीज हैं एक सामान्य वर्ग के लोग, और वो कहाँ से इतना सस्ता कैसे आपको दे पा रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि मिलावट तो है ही है। एक्चुअल में जो घर पे भी गाय सब लोग पाल रहे हैं उसका भी जो खाने का वो नहीं मटेरियल वो भी चेंजेस ना, खाद से हम जो भी उनके घास उनके लिए उगा रहे हैं वो चीजें, अनाज तो हम वही दे रहे हैं जिसमें हम खाद बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, यूरिया हाँ डाई जी बिल्कुल, वो सब चीजें। तो फिर क्या होता है, कुछ नहीं, कुछ संस्थाओं ने वर्ल्ड इंडिया के ऊपर काम करना भी शुरू किया है कि ऑर्गेनिक चीजें देना शुरू किया है, तो उसकी कास्टिंग बहुत आ रही है। एक्चुअल में बहुत ज्यादा आती है, बहुत ज्यादा आती है। वही मैं आपको बताऊं, आपने वाराणसी के पास ही एक आर्मी का कैंप है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आर्मी का कैंप है, वहाँ पहले डेयरी हुआ करती थी। मैं आपको बता रहा हूँ जय भाई, आप सुनिएगा मैं बता रहा हूँ पूरा। एक वाराणसी में ना एक ऑर्गेनिक फार्मिंग है, तो वहां क्या होता है पशुपालन किए गए हैं, तो वहाँ आपको ना प्योर दूध मिलते हैं 100% प्योर। जी तो उन दूधों को पिएंगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ आप दूध पी रहे हैं। तो उसका क्या है कॉस्टिंग जो है, मैं आपको बता रहा हूँ कि 350 रुपए पर लीटर दूध आपको मिलता है वहाँ पे। तो उसपे मैं जो मैं गया था तो बोले कि इस पे आप जाएंगे जब खर्चा आप इसको जोड़ेंगे खिलाने पिलाने का, इसका खर्चा जो आ रहा है तो लगभग 280-285 रुपए लीटर का खर्चा आ रहा है, जी, समझ इतना रहे आता है हैं। आराम से। हाँ, इतना आता है, बिल्कुल आराम से आता है। हाँ, मैंने ये एक इसका हिसाब लगाया था, तभी मैं बता रहा हूँ, खर्चा काफी आता है, तो हम ये आशा नहीं कर सकते कि कहीं से हमें प्योर मिल पाएगा, है ना। ये तो बस और दूसरा फिर मैडम देखिए, ये
आजकल के, मैंने अभी बताया ही आपको कि हम लोगों का जो बॉडी है वो हैबिचुअल हो चुका है इनके हिसाब से। अगर अब हमें कोई प्योर देगा तो हो सकता है उससे हमें कोई प्रॉब्लम हो जाए। मतलब बदलते टाइम के अकॉर्डिंगली जो भी मिल रहा है खा लो। हाँ मैडम आप तो कुदरत के हिसाब से चलना पड़ेगा ना, जी हाँ अगर नहीं जी। चल पाएंगे तो मैडम तो ये प्रकृति के लेकिन विरुद्ध हो अब जाएगा ना अगर हमारा। हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं तो बच्चे जैसे स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल में भी एक मेन्यू दिया जाता है कि बच्चों को लंच में वेजिटेबल होनी चाहिए, फ्रूट्स होने चाहिए, तो स्कूल में भी अब डाइट का ऐसे ध्यान रखा जाता है। इस चीज़ के बारे में आप क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छी पहल है मैडम, ये बच्चों को उस तरफ जोड़ना, जैसे हम रिडायरेक्ट हो रहे थे हमारे बच्चे जंक फूड्स की तरफ, वेस्टर्न कल्चर की तरफ, है ना। जी अपना हमारा खान पान कैसा था, हमारा जो पहले से चला आ रहा खान पान है ना, उसकी तरफ जोड़ना बहुत अच्छी पहल है, ये इसको नहीं है, आगे बढ़ा उसमें के ध्यान देना सैंडविच चाहिए। भी बच्चों के लिए होते हैं कि वो सैंडविच भी ले जा सकते हैं, लेकिन उसमें डेज डिसाइड किए हुए हैं कि आपको ग्रीन वेजिटेबल लेकर के आनी है, पुलाव लेकर के आना है और अरे फ्रूट्स मैडम लेकर कुछ के आने। डेज ही सही, फ्रूट की तो कम से कम कुछ ही सॉरी दिन द तो फर्स्ट देना टाइम आई एम सही है यूजिंग, क्या? आई एम जस्ट आई एम चेकिंग दिस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फ्रूट्स की तो एक अलग ब्रेक होती है, फ्रूट ब्रेक होती है स्कूल में बच्चों के लिए, तो मतलब कि जब बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो डेली उनको फ्रूट्स तो खाने ही है क्योंकि फ्रूट ब्रेक उनको रखी गई है। तो ठीक है मैडम, ये मेरे भी तो ख्याल से सही इन हो गया चीज़ों ना से बच्चों भी के लिए, काफ़ी फ़र्क जैसा पड़ कि रहा आपने है। गाइड किया। हाँ जी 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 बिल्कुल पड़ेगा मैडम, बिल्कुल पड़ेगा। उससे क्या होता था ना, बच्चों में उससे भी एक तरह का इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता था। डिफरेंट डिफरेंट लंच बॉक्सेस होते थे, किसी का कुछ किसी का कुछ। बच्चों का लंच बॉक्स भी सेम रहेगा तो, है ना, उनमें एक मतलब आप समझ सकती हैं हाँ जी अलग अलग तरह के बच्चों, क्योंकि बच्चा देखता है उसका खाना, उसके टिफिन में क्या है, इसके टिफिन में क्या है, फिर घर में वो डिमांड करना। अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, सबका टिफिन सेम रहेगा, ये भी अच्छी बात है, बहुत अच्छी पहल है स्कूल्स। हाँ जी अब जैसे हमारे बच्चों का भी होता है तो उसमें मेन्यू होता है कि बच्चों को किस दिन क्या भेजना है, तो मतलब कि वो वेजिटेबल होनी चाहिए, चाहे आप कैसे बना करके देते हैं, ग्रीन वेजिटेबल है तो ग्रीन वेजिटेबल ही देनी है। और दूसरी तो दूसरा इसका एक फायदा ये है मैडम कि जो बच्चे के गार्जियन है ना, वो मजबूर हो जाते हैं बच्चे के टाइम टेबल के साथ अपना टाइम टेबल सेट करने के लिए। हाँ जी उन्हें भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास रहता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बच्चे को स्कूल में भेज दिया, भूल गए, हाँ भाई ट्यूशन में जा, होमवर्क कर ले, ये कर ले। अब उन्हें क्या है कि अब हर चीज़ के लिए ट्यूशन पे डिपेंड या स्कूल पे डिपेंड, बच्चों को नजर रखनी पड़ेगी, उनको उनकी डायरी चेक करनी पड़ेगी हाँ किसी जी हाँ बहाने से जी ही कि नहीं वो तो भैया आज देखिए, लंच में चाहे आज बच्चे टिफिन में को क्या करना स्कूल है। भेजा जाता है चाहे ट्यूशंस पे, लेकिन पेरेंट्स को देखना बहुत ज़रूरी है कि बच्चा क्या कर रहा है, किस तरह से पढ़ाया जा रहा है। तो जी मैडम, देखिए बच्चे जो होते हैं प्रॉपर्टी होती है अपनी, सब कुछ बच्चों के लिए ही किया जाता है, तो बहुत ज़रूरी है नज़र रखना कि बच्चों को स्कूल में कैसा एटमोसफेयर है, ट्यूशन में कैसा एटमोसफेयर अगर भेज रहे हैं, क्योंकि ये होता है कि जो जॉब करते हैं तो वो स्कूल के बाद ऐसे बच्चों को ऑलमोस्ट ट्यूशंस भेजते हैं, तो इस चीज़ के लिए हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स नज़र रखें बच्चा कहाँ जा रहा है, कैसे पढ़ रहा है, पूरी तरह से पता होना चाहिए। ये नहीं कि टीचर ट्यूशन टीचर बहुत अच्छा बोल रही है तो उन्हीं के हाथों वो अपना बच्चा छोड़ दे कि चलो जैसा करवा रहे हैं वैसा ठीक है, कुछ तो देखना ही नहीं पड़ता नहीं है। मैं, हाँ ये तो आप सही कह रहे हैं, मेरा कहने का मतलब दूसरा था मैडम, कि इसी बहाने घर में जो भी हैं, घर की लेडीज हैं, मम्मी हैं, दीदी हैं, वो भी उस बच्चे से जुड़े रहेंगे ना, कि बच्चे के लिए टिफिन में भी कुछ देना है स्कूल के लिए, तो एक तरह से उनका भी टच बना रहेगा स्कूल से। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बाकी जैसे कहा जाता है कि प्योर चीज़ें गांव में ज़्यादा मिलती है, शहर में कम है, इस चीज़ में क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो बात एकदम सही है मैडम, अब सीधी सी बात है, शुद्ध हवा आपको कहाँ मिलेगी, हाँ गांव में या जी शहर में? गांव में ही मिलेगी शुद्ध ऑब्वियसली। शुद्ध पानी कहाँ मिलेगा, हाँ गांव में या जी शहर में? गांव में, जाहिर सी बात है, जो कुदरत का दिया हुआ हमारा ये, आप इसे कह सकते हैं एक तरह से ना, हमारे जो जो भी चीजें, ये सब चीजें गांव में प्योर मिलेंगी, शहर में प्योर मिल पाना तो बहुत मुश्किल है। हाँ जी मशीनों के थ्रू प्योर की हुई चीजें हैं, जो समथिंग डिफरेंट, नेचुरली प्योर चीजें हैं जो डिफरेंट, तो ये तो सीधी सी बात है, इस पर तो कोई डिबेट हो ही नहीं सकती कि कहाँ मिलेंगी, ये तो सब गाँव में ही मिलेंगी। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जहाँ शुद्ध हवा और शुद्ध पानी होगा वहीं शुद्ध चीजें होंगी मैडम। हाँ जी
आप कंक्लूजन में क्या कहना चाहेंगे दिल बेचारा जी, आरती जी? कंक्लूड यही कहना चाहते हैं, हेल्दी चीज आप लीजिए जिससे आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहे। हेल्दी चीज कहाँ से आपको मिलेगी? प्योर चीजें आप लेंगी तो ऐसा हो जैसे कि आपके पास छोटे गार्डन होता, आप वहां पे अपनी सब्जी फल जो भी वो छोटी चीज छोटे छोटे चीज हो सके उन्हें आप लगा के खुद अपनी फार्मिंग करें, जिससे आपको खाने के लिए आपके पास खुद एक अच्छी चीज मिले जिससे आप सेहतमंद रहें, तो आपका लाइफ भी अच्छा रहेगा। आपकी लाइफ क्या होगा, एजेस जो हैं वो बढ़ेंगे, चेहरे पे जो है निखार अच्छा खासा आएगा। हाँ तो जी, प्योरिटी और इम्प्योरिटी का यही है बिल्कुल कि सही आप कह रहे हैं, जैसे जैविक खेती के बारे में आप कह रहे हैं। आप सेहतमंद चीजें खाइए, फास्ट फूड ज्यादा सेवन ना करें। फास्ट फूड ये मीन्स इनप्योर चीज वही होता है, ले सकते हैं बट उसका एक टाइम नहीं होना चाहिए। जैसे आप बता ही रही हैं स्कूल में जो एक दो दिन आदमी खा सकता है, ऐसा नहीं, रेगुलर बेस पे आपको खाने पे वो ज्यादा ही इफेक्ट करता है, आपके लीवर को डैमेज कर सकता है। तो ज्यादा हो जितना भी हो सके आप उस सब चीजों को इग्नोर करें अपने को सेहतमंद रखने के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आरटी जी। जय हिंद जी, आप क्या कहना चाहेंगे कंक्लूजन में? देखिए मैडम, ये तो इतना जरूरी नहीं है कि हमको हर चीज प्योर मिल जाए, लेकिन जानबूझ के हम इम्प्योरिटीज की तरफ भागना भी तो थोड़ा सा मूर्खता ही है। हमें पता है कि मार्केट में वो नुक्कड़ पे ठेले पे चाट वाला है, आइसक्रीम वाला है, मक्खियाँ भिन बना रही हैं, फिर भी हम सब वहीं भागते हैं। इन चीज़ों को तो हम तो अभी जानबूझ के गड्ढे में गिरने वाली बात हो जाती है ना। इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, खुले की चीज़ें ना खाएं, बाहर की चाट पकौड़ी ठेले ठूले की ये सब चीजें ना खाएं, हाइजीन का ख्याल रखें, फिर हो सके तो खुद ही घर पे बना के, अगर कभी कभी मन है, मन को कंट्रोल में रखना काफी टफ है, घर में बना के उन चीजों को हफ्ते में एक दिन सबको पूरे परिवार एक साथ बैठ के आपस में एक पार्टी कर ले, इससे परिवार में आपस में सामंजस्य भी रहता है, दुख सुख की बातें भी आपस में शेयर होती है ना, हाँ जी, और प्योरिटी का भी ख्याल रखा जा सकता है। और प्योरिटी ये तो अपने हाथ में है चूज करना मैडम, है ना। अब आप मुश्किल है, आप बाहर रह रहे हो तो भी आपका बाहर खाना तो भी देख के खा सकते हैं, अच्छे होटल रेस्टोरेंट हाँ जी, साफ बिल्कुल सफाई सही का कह रहे ख्याल हैं। रखते और हैं। काफ़ी हद तक अगर हम अपने घर में ये चीज़ें बनाते हैं, खाने पीने की चीज़ें बनाते हैं, तो हम इम्प्योरिटी से दूर रह सकते हैं। क्योंकि ये है हाँ कि सही, बेशक जंक फूड बन रहा है, उसमें हम थोड़े बहुत इंग्रेडिएंट्स चेंज करके उसे हेल्दी आजकल तो बना मैडम सकते हैं। यूट्यूब पे सब सब रेसिपी अवेलेबल है। लॉकडाउन में तो सारी लेडीज, हमारी इंडियन लेडीज से स्मार्ट तो कोई लेडीज है नहीं दुनिया में, हाँ सब जी, मास्टर शेफ बन चुकी हैं हाँ यूट्यूब जी, की बाबा की कृपा से। तो सब सब कुछ घर में बनाया जा सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ जी, कम हाँ से जी, कम आइटम लाइए, घर में बनाइए आराम से, उससे दो चीज़ें बहुत अच्छी होती है, तो घर का माहौल, सब लोग आपस में कभी कभार एक आध दिन मिलता है छुट्टी में, का दिन बैठ के सब लोग बैठ के आपस में बात भी कर सकते हैं और जायके का मजा भी ले सकते हैं, ये तो है बात ना। सही है, लेकिन लेकिन रेगुलर बेस पे नहीं खाना चाहिए। जैसे कि आप रोज मान नहीं, लीजिए मैंने हफ्ते में मोमोज, एक दिन छुट्टी में जैसे इस बार समोसे बना लिए, अगली इस बार कुछ और चीजें बना ली, है ना। तो कुछ न कुछ इससे क्या होगा, बच्चे का भी जो है ध्यान नहीं जाएगा बार बार बाहर की चीजों पर, क्योंकि उसको लगेगा कि चलो कुछ नहीं, मम्मी तो है ही घर पर बना देती है, एक बार बना देंगे हफ्ते हाँ में जी, एक हाँ दिन। जी, तो ऐसा नहीं है कि आप रोज मोमोज ही बनाए जा रहे हैं। ना ना रोज की बात नहीं, मैंने कहा ये रोज में नहीं, रोज तो आपको अपना जो हेल्दी डाइट है उस पर कंसंट्रेट करना चाहिए। अब पर तो एक आर दिन डी मैंने जी, कहा अगर कि घर वाले मोमोज बना आपको रहे रेड हैं तो घर में पानी, यह किया जा सकता है कि मोमोज में मैदे की जगह मतलब उसमें आटा भी मिक्स किया जाता है। बाहर तो हमें प्योर उसके ही मिलेंगे, मैदे के ही मोमोज मिलेंगे। अगर हम घर में कुछ भी चीज बनाएंगे लेकिन कम से कम इतना हमारे अंदर को वो तो रहेगा कि चलो हमने बनाया, साफ सुथरे ढंग से हाँ जी, बनाया हाँ है, जी, बाहर वाले का क्या पता कि उसने क्या बनाया कैसे बनाया। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। फिर वो एक ही ऑयल यूज करते हैं बार बार, अगर आप हाँ फ्राई खाते हो हाँ मतलब कि बहुत सी कोई चीजें हैं, बहुत सी चीजें हैं, अगर हम घर ही में बनाए ये सब चीजें आपस में काफी फर्क पड़ता है। आर डी भाई
मेरे कहने का मतलब हाँ ये था कि इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए, ये तो है, लेकिन फिर देश में बेरोजगारी की पूरी तरह से त्यागना तो मुश्किल। अब ये तो देखिए बेरोजगारी ये चैप्टर ही दूसरा हो जाएगा, लेकिन अगर आपको पर्सनल अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना है तो ये तो करना ही पड़ेगा ना। बात। हाँ जी, बस बिल्कुल ये है सही कि कह रहे कोई ना हैं। कोई छोटी मोटी बीमारी तो आप लेके ही आते हो, फिर अगर आप इसको अवॉइड नहीं कर पाते हो तो कोई ना कोई बीमारी लेके ही आते हो, ये आपके हाथ में है। हाँ तो जी बड़े हाथ धो लीजिए आप साबुन से, उसे क्या बोलते हैं ये कर लीजिए, सैनिटाइज कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तब तक आपके पेट में जा चुका होता है। जैसे कि मैं एक क्या होता है कि जैसे कि आप घर में हो तो परमानेंट अपना सैनिटाइजर का यूज भी मत कीजिए, क्योंकि ये हमारे एक्चुअल में ना क्या होता है, ये हमारे लिए हानिकारक ही होता है। सैनिटाइजर जो होता है हमारे स्क्रीन, जब आप बार बार स्क्रीन पे अपने बार बार उस चीज को सैनिटाइज करोगे ना, तो आप देखना मतलब कि अभी थोड़ा मतलब अभी तो शुरू ही हमने किया है, लोग ज्यादा इसका यूज कर रहे हैं। बट खैर मैं तो बताता हूँ लोगों को बहुत सारे कि आप घर में हो तो बार बार सैनिटाइजर का यूज ना ही करो, फिर ये क्या होता है हाथों में ना व्हाइटपन होने लगेगा। आप कभी दिन ना भी गर्मी के मौसम जब आएंगे ना तो आपको खुद ही ऑटोमेटिक वो पता चलेगा ज्यादा सैनिटाइज करने से। जो हमारे होता नहीं है जैसे कि एक तरह का जीभ में, हमारे जीभ में जो होता है कि हम स्वाद वाद ये सब पता चलता है ना, वैसे हाथों में ही होता है, तो आपकी इफेक्टिवनेस खत्म हो जाएगी। जैसे कि चोट इस पर लगेगा ज्यादा तो आपको पता भी नहीं चलेगा, फिर आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद इसमें व्हाइटनेस आने लगता है, तो ज्यादा इसे यूज नहीं करना चाहिए। जितना हो सके इग्नोर करो, आप घर में हो तो हाथ पानी से धो लें, चीज करना है हमें। हाँ जी, सेवन जी नंबर जी आप भी अपने व्यूज दीजिए, प्योर और इम्प्योर खाने पीने के ऊपर। प्रोफेसर साहब लेट पहुंचे हैं जरा। नहीं, आप करो बात, ना पता नहीं कुछ, आप करो बात। हमारा तो हमारा तो टॉपिक काम हो गया, ऑलमोस्ट ओवर ही हो गया है, इसलिए मैं कह हमने तो रही हूँ कंक्लूजन भी दे दिया। आप करो बात, हाँ मैं तो सुनूंगा आज। अच्छा, ठीक है ठीक है। तो मैडम कुल मिला के अब टॉपिक हाँ जी कंप्लीट हो ओवर। ही गया है, हाँ जी हाँ जी, अब जय हिंद फाइनल जी, कंक्लूजन आप दे दीजिए। जय हिंद जी, आरटी जी, जुनैद एंड हिस, आपका शुक्रिया कि आप सभी शो में आए और सभी ने अपने विचार दिए। बाकी जय हिंद जी, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा है कि हमें घर पर बनी हुई चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए, और यूट्यूब के कारण हम सारी चीज़ें मतलब कि घर में आसानी से बना सकते हैं, जिससे कि एक परिवार में सामंजस्य भी बना रहता है, और ये है कि एक प्योर चीज़ें भी खाने पीने के लिए मिलती है। तो ठीक है जय हिंद जी, अपना टॉपिक हम यहीं पर ही ख़त्म करते हैं और कल मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।